शनि क्या है, शनि का प्रकोप क्या है, क्या शनि सिर्फ बुरा होता है? तो डरने की बात उन लोगों के लिए जिनका कर्म ठीक नहीं है। फिर से 7.5 साल का पीरियड शनि मॉनिटर्स यू। शनि इज लाइक वो स्कूल का स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जो छड़ी लेके मारता है। दिस इज व्हाट पीपल थिंक, दैट्स व्हाई फॉर मोस्ट पीपल 7.5 बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट। ये सुनने में आता है कि शनि जो है वो सूर्य देवता के बेटे हैं। तो स्वयं भगवान शिव को काफी समय तक अपने बचाव के लिए जल के अंदर रहना पड़ा है, तब शनि से बच पाए। तो जब शनि रिलीज करते हैं तो उसको सूर्य भी कैंसिल नहीं करता। ओके। अब इस दुनिया में जिसने भी बड़ा पैसा कमाया उनमें से मैक्सिमम लोगों ने शनि के टाटा का नाम सुना है। हाँ। सबसे उनका सबसे प्रमुख कंपनी कौन सी है? टाटा स्टील। हाँ। शनि है, शनि के हनुमान जी के साथ में भी है। नमस्ते, आज हम वापस आ गए हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि शनि क्या है, शनि का प्रकोप क्या है, क्या शनि सिर्फ बुरा होता है, शनि ने किसके ऊपर कैसा प्रभाव डाला है, क्या सिर्फ हम आम जनता इससे को प्रॉब्लम हुई है या फिर कुछ बड़े नेता सेलिब्रिटी या किसी वेल नोन पर्सन को भी कुछ हुआ। तो आज के इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगी मिस्टर आलोक खंडेलवाल जी को। And I would recommend my whole audience to stay with me till the end, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो आखिरी में देखोगे तब आपको पता चलेगा कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करने का सोल्यूशन क्या है। And I hope everyone is only interested in the solution. So, Mr. Alok Khandelwal ji, welcome back to this podcast. Thank you, thanks for inviting. Sir, आज का जो पॉडकास्ट है, आज जैसे मैंने अभी मेरे सब दर्शकों को बताया, इट इज बेसिकली अबाउट शनि। बट मैं शनि से शुरू करने से पहले साइड शनि को 2 सेकंड साइड में रख के पहले तो आपसे पूछूंगी आप कैसे हैं। मैं बढ़िया हूं, बिल्कुल मस्त हूं हमेशा की तरह। ये सबसे अच्छी बात है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपसे पूछा था तो आपने मुझे ये चीज बताया था कि मैंने आपसे जब पूछा था कि 2024 कैसा रहेगा तब आपने ये चीज बताई थी कि ये शनि का साल है। हाँ। तो सर ये शनि है क्या? अब शनि तो नव ग्रहों में से 9 ग्रह है, राइट? अपने सबको जानते हैं, अपना वार चक्र भी ग्रह से आता है। ओके। है ना, अपने को ऐसे पता था ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, राइट? सो ये जो वार चक्र है मतलब कि डे का जो मालिक है वो एक ग्रह होता है। ओके। ठीक है, अब आप ये सोचो कि ये ही इंडिया में भी होता है। हाँ। और यही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी होता है। Exactly. तो अब जब डे का मालिक ही एक ग्रह है, फिर कोई मुझसे कभी पूछता है कि ज्योतिष काम करता है कि नहीं करता, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। भाई आप बोल रहे हो आज सैटरडे है, सैटरडे बिलोंग्स टू सैटर्न, राइट? शनि को हो जाता है, तो फिर कोई तो कारण रहा होगा कि पूरी दुनिया इस चीज को फॉलो करती है। Exactly. राइट, पूरी दुनिया एक कैलेंडर को, एक दिन को फॉलो करती है। तो सैटर्न जो है वो 9 ग्रह, 7 बॉडी वाले ग्रह हैं। हाँ। और 2 राहु केतु जो वैदिक ज्योतिष में मानते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा मैलेफिक ग्रह है। ओके। सो मैलेफिक का मतलब क्या है? मैलेफिक का मतलब जो है कि वो क्रूर ग्रह है या पाप ग्रह है, आप कह सकते हैं। बट एक्चुअली में वो क्रूर या पाप क्यों है? क्योंकि वो कर्म फल दाता है। तो कर्म फल दाता का मतलब क्या है? जो मैंने कर्म किया है। हाँ। तो सैटर्न इज या शनि जो है वो उनका खुद का नेचर ऐसा नहीं है। अच्छा। बट जो मैंने कर्म किए हैं उन कर्मों का वो या तो मुझे रिवार्ड देते हैं या फिर मुझे पनिशमेंट देते हैं, जैसे जज का जो रोल है। हाँ, हाँ, हाँ। तो जज जो है अपराधी से उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, वो तो न्यायाधीश है। Exactly. तो जो न्याय होता है वो करते हैं। इसीलिए शनि के बारे में काफी सारी चीजें आपको ऐसी सुनने को मिलेंगी कि बहुत ही डरा देंगे लोग। सो डरने की बात उन लोगों के लिए जिनका कर्म ठीक नहीं है। जिन लोगों का कर्म ठीक है उन लोगों के लिए डरने की बात नहीं। तो मेरी नजर में इन सभी 9 ग्रहों में से सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है शनि, क्योंकि आप इस पृथ्वी पर तब तक ही रह सकते हो जब तक कि आपका कर्मा पेंडिंग है। हाँ, ये। और कर्म का जो पूरा डिपार्टमेंट है वो शनिदेव के पास है। इसीलिए जब आप आयु निर्धारण करते हो ज्योतिष में, तो हम ज्योतिष में आयु निर्धारण करते हैं, आपका एज बता सकते हैं कितना जियो एग्जैक्टली, है ना, डे वाइज। सो उसमें सैटर्न का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आप तभी तक रहोगे जब तक आपका कर्म रहेगा। जब कर्म खत्म हो जाएगा आप चले जाओ,
So it's a very beautiful planet for me. It is one of the most beautiful planets for good people, and for bad people it is dangerous. It is like जो बुरा है उसके साथ बुरा होगा और अच्छे के साथ अच्छा ही होगा. And sir, ये चीज बोली जाती है कि जो शनि है mostly उसके बहुत जैसे आपने भी बताया कि negative image assets created है, but it is very true. बहुत ज़्यादा negative image बनी. और बोला जाता है शनि की साढ़े साती आती है. तो ये शनि की साढ़े साती एक बार आती है, दो बार आती है, अच्छी होती है या बुरी होती है, मतलब क्या होता है शनि की साढ़े साती? तो साढ़े साती का मतलब क्या होगा? साढ़े सात साल. ओके, सो इट्स अ साढ़े सात साल का पीरियड वेयर शनि मॉनिटर्स यू. ठीक है, अब सैटर्न एक भार चक्र मतलब अपना पूरा जॉडियक कंप्लीट 12 राशि घूमने में 30 साल लगाते हैं. अच्छा, है ना. और चंद्रमा 30 दिन लगाते हैं. तो आप सोच सकते हैं कि चंद्रमा कितना फास्ट है और शनि कितने स्लो है, राइट. इसलिए उनका नाम शनि शनि शनि, राइट. शनि शनि कहते हैं ना, स्लो चलते हैं. यानी कि क्या हो रहा है, वो कर्म का गति स्लो है. तो आप आज अगर कुछ गलत काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बच रहे हो, तो ऐसा नहीं. सैटर्न धीरे से आते हैं, बट जब आते हैं तो लंबे समय के लिए रुकते हैं. सो व्हेन द पनिशमेंट स्टार्ट्स, इट्स लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो साढ़े साती का मतलब है कि जब आपके जन्म के चंद्रमा, जिस दिन आप पैदा हुए चंद्रमा जिस राशि में, उस चंद्रमा से 12वें स्थान पीछे, उस चंद्रमा पर और उस चंद्रमा से एक घर आगे जब शनि मूव करते हैं करंट टाइम में, उस साढ़े सात ढाई 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 साढ़े सात साल को साढ़े सात. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? हाँ, तो वो चंद्रमा हमारे मन का कारक है. मून इज माइंड, मून इज माइंड. सैटर्न जो है वो दुख कारक है. शनि का काम है सौरव देना, राइट. जैसे चंद्र मन का कारक है, गुरु ज्ञान के कारक है, शनि दुख कारक है. ठीक है, दुख आदमी अपने कर्मों की वजह से या अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर ही भोगता है, राइट. तो शनि की साढ़े साथी जब चंद्रमा से 12वें शनि, मतलब आप जैसे चंद्रमा खड़ा है आपके, आपके पीछे शनि आते हैं. ठीक है, अब सैटर्न को शास्त्र में बताया कैसे गया, बहुत कुरूप है, काले है, उनके आंखों में से अंगारे निकल रहे हैं, नाखून बड़े बड़े हैं. तो वो ऐसा नहीं है कि उनका स्वरूप ऐसा, वो ऐसा इसलिए है कि जब आप कर्म बुरे करते हो तो शनि का ये स्वरूप है, मतलब दिस इज हाउ ही विल पनिश यू. तो ऐसा कोई व्यक्ति आपके माइंड के पीछे खड़ा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो आपके साथ में नहीं खड़े, आपके पीछे, जस्ट पीछे खड़े. तो जैसे कोई बुरा व्यक्ति आपके पीछे, आप बस में जा रहे हो, कोई बुरा व्यक्ति आपके पीछे खड़ा हो जाए, तो यू सेंस इट, राइट. यार इट फील्स वेरी बैड. यस, यू फील वेरी बैड. This is the first phase of साढ़े साथी, जब मन से 12वें स्थान पीछे जाके सेटल करो. This is the time of loss. Okay. तो loss होता है, आपका focus lose हो जाएगा, आपके घर में loss हो जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे, so many things हो जाएंगे. And then फिर वो ढाई साल वहाँ रहते हैं, तो ढाई साल आदमी को सिर्फ losses झेलने पड़ता है. हाँ, तो बस यहीं पर मैं इस चीज को correct करना चाहता हूँ. अच्छा. ऐसा नहीं है कि केवल losses झेलने पड़ते. अच्छा. सैटर्न और गुरु, शनि और गुरु दोनों टीचर, ये नौ की नौ ग्रह हमारे टीचर है. उनको हमें सिखाना है. क्यों सिखाना है? इसलिए सिखाना है ताकि हम सीखें, इवॉल्व हो और हम मुक्त हो. तो गुरु कैसे सिखाते हैं आपको? प्रेम से सिखाते हैं. आप एक बार नहीं सीखे तो गुरु बोलेंगे चलो दोबारा याद करते हो. शनि डंडे से सिखाते हैं. सो इट्स अ वेरी हार्ड टीचर. शनि लाइक वो स्कूल का स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जो छड़ी लेके मारेगा, वो हार्ड टीचर. तो वो क्या करते हैं कि जब आपके जीवन में साढ़े साथी आती है तो आपको ऐसे अनुभव होते हैं, आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि आपके मन को पसंद नहीं है. ओके, एंड व्हाट सैटर्न इज ट्राइंग टू डू इज सैटर्न इज ट्राइंग टू ट्रेन यू टू हैंडल दिस सिचुएशन. तो जो लोग इन सिचुएशंस में क्रिप करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे संग सब बुरा करते हैं, मैं ऐसी क्यों हूँ, मेरा वो मेरा दोस्त छोड़ गया, मेरे पापा बैठे, उनको ज्यादा प्रताड़ित करते हैं. Because you are not learning. Yeah, I'm not learning. Right? So if I am a strict teacher, you are not learning. What I will do? I'll punish you. Punish you. Yeah. Right? But my job is to teach you. So if you learn like this, my job is done. Yeah. So I will not punish you. I will see somebody else. मैं किसी और को देखूंगा. भाई चलो इसका तो हो गया. ये सीख लिया. ये नहीं सीखा. इसको पकड़ते. Right? Yeah. तो उन लोगों को साढ़े साथी खराब जाती है.
क्योंकि अपना कंफर्ट जो उनको नहीं तोड़ते। जो मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई बार बार किसी को ब्लेम कर रहा है, ब्लेम गेम में रहते हैं वो, जो कि परिस्थिति को ब्लेम करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, खुद जिम्मेदारी नहीं लेते कि मेरी वजह से ऐसा हुआ। नहीं नहीं, मेरी वजह से तो हो ही नहीं सकता। दिस इज व्हाट पीपल थिंक, दैट्स व्हाई फॉर मोस्ट पीपल सारे साथी बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। पीपल हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन एक्शन, हां, या फिर अपनी फीलिंग का, या फिर अपनी परिस्थिति का, खुद जिम्मेदारी लेते हैं, सारे साथी उनको बहुत खराब मिल जाते हैं। अच्छा, ग्रिप करोगे सैटर्न बहुत परेशान, तो ऐसे ये ढाई ढाई ढाई, इसको ढैया कहते हैं, ढैया इज अगेन टू एंड हाफ, टू एंड हाफ, तो ढाई ढाई साल के तीन चैप्टर है जो 7.5 साल चलता है, कंप्लीट करता है, फिर उसके बाद फिर से 30 साल बाद आता है। ओके, मतलब हर 30 साल बाद इंसान की 7.5 साल आती है। करेक्ट, तो इसलिए बोलते हैं कि कलयुग में मैक्सिमम उम्र जो है वो 120 साल है। ओके, मैक्सिमम उम्र कलयुग में, तो वो शनि के चार चक्र है, चार बार आते हैं आपके जीवन में सैटर्न 7.5 साल के रूप में आपके मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो फॉर स्पिरिचुअल पीपल और फॉर दोस पीपल हु आर हु नो द रियल ट्रुथ ऑफ द लाइफ, इट्स अ वेरी गुड टाइम। बट वो लोग जो कि ब्लेम गेम में रहते हैं या कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो इसलिए खराब। और इससे जैसे अगर बोला जाता है कि मतलब बहुत लोग इस तरह से भी ये क्रिप भी करते हैं कि यार मैंने तो कभी लाइफ में बहुत अच्छा सबका कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये शनि की 7.5 ही आ गई, तो क्या ये पिछले कर्मा से ही रिलेटेड रहेगा? ऑब्वियसली, तो पहला जो 7.5 का फैक्टर रहता है, पहला ढैया जो रहता है, इट इज बेसिकली मोर रिलेटेड विद द लास्ट बर्थ। ओके, देखो आपका ये जो ज्योतिष है, आपका ये जो कुंडली है, वो है क्या, हमने तो आपके लैंडिंग टाइम पे चार्ट बनाया, उसमें तो आपने इस जन्म में तो एक भी कर्म नहीं किया, हां, देन हाउ आई एम एबल टू प्रेडिक्ट, because it is a accumulation of your last last time. Okay, so इसीलिए 7.5 में इतना ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इंटेलेक्ट लेवल से बाहर हो जाती है वो चीज, क्योंकि वो इस जन्म से संबंधित नहीं, हाँ, वो लास्ट वर्ष से संबंधित है। हाँ, अब आप बोलोगे, जो अक्सर ऐसे ही बोलते लोग आकर मेरे पास ना, कि हम तो बहुत, अभी तो बेचारा बहुत अच्छा व्यक्ति, बट उसने लास्ट वर्ष में जो किया होगा वो हिसाब कौन करेगा अच्छा करो तो अच्छा होता भी है। बट कुछ करना जो लास्ट वर्ड का होता है वो पे ऑफ करना होता है, या तो शरीर से पे ऑफ करोगे, या पैसे से करोगे, या इज्जत से करोगे, या रिश्तों से करोगे, कुछ तो पे ऑफ करना पड़ेगा, किसी ना किसी चीज से आपको सेटलमेंट तो बिठाना पड़ेगा, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट तो करना पड़ेगा, बैलेंस शीट इक्वल भी, बैलेंस शीट इक्वल तो होना पड़ेगा। से ये सुनने में आता है कि शनि जो है वो सूर्य देवता के बेटे हैं, तो बट सूरज इज डिफरेंट एंड शनि, तो वो उसका बिकॉज समझ नहीं आया, मैंने बस ये सुना तो मैंने सोच के रखा था कि यार सर से आके जरूर पूछूंगी। हाँ, तो शनि सूर्य पुत्र है। अच्छा, सो उनका जो श्लोक है, अगर आपने सुना हो तो, नीलांजन समावासम रवि पुत्रम महाराजा, रवि सूर्य, हाँ, राइट, तो सूर्य के पुत्र है। और उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है कि सूर्य की जो पत्नी थी वो सूर्य की हीट से इतनी परेशान थी, क्योंकि सूर्य बहुत गर्म, हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि वो हीट को, शी लव्स सूर्य बट वो हीट बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो उन्होंने क्या किया कि अपना एक डमी क्रिएट की जिनका नाम था छाया। ओके, और उनको सूर्य के पास में रख दिया और खुद चली गई साधना करने, ठीक है, और सूर्य देव को इस चीज का कोई जानकारी नहीं थी कि ये मेरी पत्नी नहीं है, उनका प्रतिरूप है उनका डमी। तो उनके और सूर्य देव के मिलन से शनि देव पैदा हो, तो है तो सूर्य पुत्र ही, हाँ, बट वो एक्चुअल माँ से नहीं है, वो छाया से है, इसीलिए वो श्लोक में कहते छाया मात्र है ना, तो वो छाया के पुत्र है, और इसीलिए सूर्य और शनि ज्योतिष में शत्रु माने जाते हैं। यही पॉइंट है, क्योंकि क्यों माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य सबसे खूबसूरत है, ठीक, हाँ, है, हाँ, इन सभी ग्रहों में सबसे खूबसूरत तेजवान जो है वो सूर्य है, वो राजा है, सभी ग्रहों के राजा है, सभी ग्रह
उनके आसपास ही चक्कर लगाते हैं। और शनि चूंकि छाया से हुए तो शनि कुरूप थे, तो इसलिए सूर्य ने कभी शनि को स्वीकार नहीं किया। और इसीलिए सूर्य शनि दुश्मन है। शनि हमेशा अपने अधिकार के लिए और अपनी माँ के अधिकार के लिए लड़े, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी माँ जो छाया उनको बराबर का दर्जा मिले। इसीलिए जिन लोगों पर शनि भारी होता है वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं और उनकी माँ को काफी दुख देखना पड़ता है। शनि की माँ को कभी भी वो स्थान नहीं मिला। दूसरी चीज, शनि को जब छाया चली गई वहां से तो असली माँ का प्यार नहीं मिला, क्योंकि वो जो थी वो वापस आ गए, तो असली माँ का प्यार नहीं मिला। इसलिए सैटर्न से प्रभावित लोगों को दो चीजें देखने को मिलती है। नंबर वन, देयर मदर आर स्ट्रगलिंग। नंबर टू, समटाइम दे स्ट्रगल विद द मदर, ऐसा उनको प्रतीत होता है कि माँ से माँ उनसे भेदभाव करती है। तो ये उस पौराणिक स्टोरी से आता है। तो अपना शास्त्र में हर चीज को स्टोरी से कनेक्ट करते हैं। ये बात अच्छा है कि इंडियन कल्चर का है, बिकॉज़ वो आपको याद करना रिलेट करना आसान है और वो पता चलता है कि ओके इसके पीछे ये कारण था जिसकी, और अभी की जनरेशन इज वेरी मच इनटू कारण। शुरू से ये पौराणिक कथा है तो हजारों साल पहले से लिखी है, तो जब आपको कोई लॉजिक मिलता है तो देन ऑब्वियसली यू रिलेट विद दैट स्टोरी की, अच्छा ऐसा है। तो शनि का दृष्टि में जहर है। तो जैसे शनि पैदा हुए तो सूर्य देव ने उन्हें उठाया या उनको जब देखा तो जैसे शनि देव ने आंखें खोली तो सूर्य देव का पूरा शरीर जलने लगा, क्योंकि शनि का दृष्टि में जहर है। तो उनके पूरे हाथ पैर पे फफोले पड़ रहे हैं और उनका जो रथ है जिसको जो सात घोड़े चलाते हैं वो रथ टूट गया एंड सूर्य का हालत खराब है, खुद सूर्य की राइट। तो फिर इस कारण से भी सूर्य ने कभी उनको स्वीकार नहीं किया कि ये मेरे दिस boy is not good for me. Oh my god. That is the story. That's why Surya and Shani pita putra aapas mein jhagda karte hain. Sir, abhi kis rashi mein hai Shani ke sare saathi? To Shani is samay Kumbh rashi mein hai. Okay. So Kumbh rashi mein, Kumbh rashi matlab jiska Kumbh ka chandrama hai. Haan. तो उससे एक पीछे वालों की भी साढ़े साथी चलेगी। ओके हाँ, और एक आगे वालों। तो मीन राशि की साढ़े साथी चालू हुई है। अच्छा। क्योंकि मीन से बारहवें है। हाँ। राइट। कुंभ का सेकंड चैप्टर चल रहा है। ओके। और मकर राशि का थर्ड चैप्टर चल रहा है, खत्म होने वाला है। ओ। तो ऐसे एक बार में तीन राशि कवर करते हैं शनिदेव। अच्छा। एक का तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। यस। तो एक निमटने वाले, हाँ। एक अभी बीच में और एक अभी चालू ही हुए। तो हमेशा ऐसे करके तीन राशियां शनि के प्रभाव में रहती हैं। और उसके ऊपर भी एक पौराणिक स्टोरी है कि चंद्रमा भी बेहद खूबसूरत है और 27 पत्नियां हैं चंद्रमा की, ठीक है, अपने पौराणिक स्टोरी के हिसाब से जो 27 नक्षत्र है वो हर नक्षत्र पत्नी एक साथ है। इसके बावजूद भी थोड़े दिल फेक थे तो मन तो होता है ऐसा, तो उन्होंने शनि की बहन जो है जो उन पर बुरी दृष्टि रखी। तो फिर जब सैटर्न को पता लगा, शनि को पता लगा, तो वो चंद्रमा को मारने के लिए भागे और उन्होंने चंद्र को कब्जे में ले लिया एंड शनि उनको खत्म ही कर रहे थे तभी भगवान शिव ने इंटरवीन किया। और क्योंकि चंद्र अगर नहीं आएंगे तो रात्रि नहीं, तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था, तो चंद्रमा का जीवित रहना इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए उनको फिर रोका भगवान शिव ने, शनि भगवान शिव के भक्त, भक्त नहीं, भगवान शिव ने ही शनि को जनरेट किया है, इसलिए उनको रुद्र स्वरूप कहा जाता है। तो उन्हीं की सुनते हैं आप ये मान के चलते। तो फिर जब उनको शनि तो बहुत क्रोधित थे, तो उनको जब रोका तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इस पे हमेशा नजर रखूंगा, चंद्र पर मैं 24 घंटे नजर रखूंगा। अब प्रॉब्लम ये थी कि भाई चंद्रमा पर मतलब 24 घंटे अगर शनि नजर रखेंगे तो 12 की 12 राशि वाले हमेशा ही शनि के प्रभाव में रहेंगे, तो मतलब पूरा जगत में हमेशा दुखी रहेगा पूरे टाइम। तो फिर शिव जी ने उनको बोला कि ऐसा नहीं करते हैं, आप एक काम करो, एक बार में तीन राशि को कवर करो। ओके।
इसीलिए वो एक आगे एक पीछे और इस तरह से वो कैलकुलेट कर रहा है। 25% राशियों पर शनि का एक बार में प्रभाव रहता है। अदरवाइज सैटर्न तो चंद्र को पकड़कर पूरा 12 राशि पर, तो फिर सभी दुखी रहते चंद्र से। तो शिव जी ने 3 बार अपनी आंखें खोली बंद की, उस एक बार आंखें खोलने और बंद को एक साढ़े साथी का चैप्टर कहते हैं। ओके, सो ऐसे करके साढ़े साथी 3 चरणों में ऐसे आई। आई गेस इससे हर किसी को पता लगेगा कि क्या चीजें थी जिसकी वजह से साढ़े साथी क्या है। और साढ़े साथी की और भी, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है तो साढ़े साथी की और भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो भगवान शनि, भगवान शिव ने शनि देव को ये वक्र दृष्टि दी जिसमें जहर है साढ़े साथी की दृष्टि। हाँ। और जो शनि जब देख लेते हैं आपको तो आपके जीवन में दुख चालू हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो ये दी है तो तुम सबसे पहले मेरे ऊपर ही ट्राई कर लो। तो सैटर्न शनि बोले कि मैं तो आपका दास हूं, बट उन्होंने शुक्र ने बोला कि आप मेरे ऊपर ट्राई करो। और जब शनि ने उनकी तरफ देखा है तो स्वयं भगवान शिव को काफी समय तक अपने बचाव के लिए जल के अंदर रहना पड़ा है, तब शनि से बच पाए। तो शिव की दी हुई दृष्टि इतनी घातक है कि स्वयं शिव को भी उससे बचने के लिए पानी के अंदर कई समय तक, काफी बड़े समय तक। जब शनि वहां से चले गए तब शिव बाहर निकले, क्योंकि वो इतने, क्योंकि भगवान शिव की कोई भी चीज जो है वो इतनी पावरफुल हो सकती है कि कोई इसका कोई अचूक मतलब इसका कोई सॉल्यूशन एज सच है नहीं, मुश्किल है। ओके, तो शिव की कृपा से ही साढ़े साथी में सर मैं खुद की बता रही हूँ, मेरे जैसे बच्चों को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि शनि का ये स्टोरी है या ये बैकग्राउंड था। और वो तो पता नहीं, मैं अभी सर्च कर रही थी तब मुझे पता चला था कि वो सूर्य के पुत्र, ये सब चीजें तो आई वाज लाइक यार आज सर से एसी पे बात करनी। सर वैसे मैंने एक चीज ये भी सुनी है कि जो पीएम मोदी है वो शनि की साढ़े साथी में ही उनका प्राइम मिनिस्टर वाली चीजें, तो इसके ऊपर तो ऐसा जैसे ये जो किवदंती है कि वो शनि की साढ़े साथी हमेशा ही खराब करती, उसका आज के जमाने में सबसे सीधा सा उदाहरण है प्रधानमंत्री मोदी। अच्छा, कि प्रधानमंत्री मोदी दोनों बार मुख्यमंत्री साढ़े साथी में है। इसका मतलब क्या, अगर भारत जैसे इतने बड़े विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक है, हाँ। उसका प्राइम मिनिस्टर शनि के साढ़े साथी में बन सकता है। हाँ। तो साढ़े साथी आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा खराब होती। True। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन ये है कि शनि को 2-3 चीजों की आवश्यकता होती है। अच्छा, सत्य, शनि लव्स ट्रुथ, डिसिप्लिन, ठीक है, क्योंकि शनि इनडिसिप्लिन के ग्रह। तो जो व्यक्ति डिसिप्लिन में रहता है सैटर्न उस पर हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हैं। स्त्री का सम्मान और कर्तव्य निष्ठा, दैट मीन्स आप जो कर रहे हो प्रभु ने आपको जो काम दिया वो काम आप मुस्कुरा के 100% करके कर रहे हो। स्त्रियों का रक्षा करते हो या फिर असम्मान नहीं करते, डिसिप्लिन हो और सत्य बोलते हो। ये 4 ट्रेट जिस व्यक्ति के अंदर होते हैं साढ़े साथी में उसको निभा है। ओके, ठीक है। तो अब पीएम मोदी में तो 4 ही चीजें, तो साढ़े साथी का मतलब है कि आपका केस कोर्ट में खुला हुआ है, कोर्ट लगी हुई है। हाँ। आपका केस कोर्ट में खुला है, तो केस जब खुलता है तो आपको जेल भी हो सकती है और आप बरी भी हो सकते हैं। तो जब शनि बरी करते हैं, हाँ। क्योंकि तो साढ़े साथी के दरमियान ही तो आप बरी भी होंगे, तो जब शनि रिलीज करते हैं तो उसको सूर्य भी कैंसिल नहीं कर सकते। ओके, आप इसको ऐसे समझो कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दे दिया तो कोई सरकार भी नहीं बदल सकती, बिल्कुल नहीं बदल सकती है। इसीलिए जो लोग ये 4 ट्रेड में रहते हैं, हाँ। उन 4 ट्रेड में रहने वाले लोगों को साढ़े साथी में जनरली अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जैसे कि पीएम मोदी को। ये हुआ एक साइकोलॉजिकल लॉजिक, एक एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक है। अच्छा, कि 2 चीजें हम देखते हैं। हाँ। एक तो शनि की साढ़े साथी में वो आपके किन किन घरों से निकलते हैं। ओके, अगर वो जैसे शनि जो है वो तीसरे छठे दसवें और तीसरे छठे और ग्यारहवें 3 ही स्थान पर अच्छे होते हैं, 9 जगह पर खराब होते हैं।
तीन साल में अच्छा है बस शनि के नौ जगह पे खराब राइट हाँ। तो अगर इनमें से कोई स्थान में वो निकल रहे हैं तो वो समय अच्छा होता है, जो कि शनि वो स्थान को पसंद करते हैं। दूसरा, आपका चार्ट में शनि कैसे है, तो चार्ट में अगर अच्छा शनि है आपका हाँ। तो ये ऑलरेडी हमें बता रहा है कि इस व्यक्ति सत्कर्मी है, अच्छा काम, इसमें अच्छे काम करते हैं। और तीसरा, अष्टक वर्ग का एक प्रिंसिपल है जिसमें कि अगर शनि के पॉइंट्स उन राशियों में अच्छे हैं, चार से ऊपर है जब वो आपके साढ़े साथी में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वो साढ़े साथी चमत्कारिक रूप से बहुत अच्छी और बहुत लुभाने। सो ये तीन तरीके हैं इस चीज को। आई पर्सनली सी अष्टक वर्ग, क्योंकि उसमें मुझे क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि साढ़े साथी अच्छी जाएगी कि खराब। ऐसे बोलते हैं कि एट नंबर जो है वो शनि का ही नंबर है एट। यस, तो इस साल का टोटल एट है। हाँ, ये शनि का साल है। तो शनि का साल है मतलब क्या है, मैं हर बार कह रहा हूँ कि जिसने अच्छे कर्म किए होंगे उसको रिवार्ड मिलेगा, जिसने बुरे कर्म किए होंगे वो सब जीत जाएंगे। इस साल तो बहुत, आपने मेरे को वो लाइन याद है आपकी, आपने बोला था कि इस साल जो अच्छे काम करेगा उनको प्रसाद मिलेगा, जो बुरे काम करेगा उसको डंडा मिलेगा। सैटर्न शनि जो है वो ड्राई प्लेनेट है, ही डजंट हैव एनी इमोशन। ओके, अब जज को कोई इमोशन होता है क्या? नहीं। आपने अगर कोई क्राइम किया है आप जज के सामने रो रो के पैर में भी गिर जाओ हाँ। छोड़ेंगे आपको? नहीं। आपने अगर क्राइम नहीं किया तो आप एक बार भी उनसे नहीं बोलो तो भी आपको बरी करेंगे। तो शनि डजंट हैव एनी इमोशन। ओके, दैट्स व्हाई व्हेन सैटर्न पनिशेस तो वो रूथलेस पनिशमेंट होता है। सर, अगर किसी का ऐसा बोला जाता है कि हर चीज किसी ना किसी चीज से लिंक्ड होती है, अगर किसी का शुक्र अच्छा है इट मींस उसको ब्यूटी लाइन या फिल्मी लाइन में जाना चाहिए या मॉडलिंग में जाना चाहिए, पर अगर किसी इंसान की कुंडली में या उसकी लाइफ में शनि अच्छा है तो उसको क्या करना चाहिए? तो आपको एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि शनि का इतनी बुराई करते हैं हाँ। काल पुरुष का चार्ट में हाँ। कर्म स्थान और इनकम का स्थान शनि रूल करते हैं। ओके, तो आपका कर्म किस लेवल पे जाएगा वो शनि डिसाइड करते हैं, और आपको पैसे कितने मिलेंगे शनि डिसाइड करते हैं उस कर्म के। अब इस दुनिया में जिसने भी बड़ा पैसा कमाया हाँ। उनमें से मैक्सिमम लोगों ने शनि की वजह से कमाया। देखो टाटा का नाम सुना आपने हाँ। सबसे उनका सबसे प्रमुख कंपनी कौन सी है? टाटा स्टील हाँ। शनि है, ठीक है, स्टील इज शनि। ओह, बिरला का नाम सुना हाँ। उनका सबसे बड़ी कंपनी हिंडालको है, एल्यूमिनियम, शनि। रिलायंस का नाम सुना हाँ। उनकी जो आरआईएल है रिलायंस इंडस्ट्रीज, पेट्रोल, शनि है। ओके, मित्तल्स का नाम सुना हाँ। आर्सेनल मित्तल, लोहा, शनि है। गोदरेज का नाम हाँ। गोदरेज का सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? वो चीजें बना के देना, स्टील और इन सब चीजों से। गोदरेज का सबसे बड़ा बिजनेस है प्रॉपर्टी। ओके, अब प्रॉपर्टी शनि, प्रॉपर्टी मंगल और शनि है। तो जिन लोग और हथियार हाँ, ठीक है, ऑयल, गैस, लोहा हाँ, ऑल most of the metals हाँ, not all, most of the metals are all shiny. Okay. So, अब ये जो पैसा जब Saturn देते हैं हाँ, तो ये सात पुष्पों का देते हैं, एक पुष्प का, क्योंकि Saturn slow है हाँ, तो देने पे आएंगे तो इतने लंबे समय तक देंगे कि आप उनको रोक नहीं पाओगे। यस, और जब लेने पर आएंगे तो फिर सात पुष्पों का लेके जाएंगे, राइट। अब पॉलिटिक्स के अंदर भी जो लोग बहुत ही बड़े लीडर्स होते हैं हाँ। जननायक, तो जो जनता का कारक है, आम जनता, जो नीचे की जनता हाँ। है वो ही जिताती है। हो सकता है आप तो वोट ही डालने नहीं जाती होगी, आजकल तो जागरूकता बहुत होगी, बट एलीट क्लास सबसे कम लोग, राइट। तो वो जो नीचे की जनता है पूरी, जो आपको नायक बनाती है, वो शनि है। और जो फिल्म स्टार्स है, जो पॉपुलैरिटी होती है फिल्म स्टार्स की हाँ। वो भी शनि कंट्रोल करते हैं। ओके, फिल्म स्टार की पॉपुलैरिटी में भी आम जनता हाँ। आप कितनी पिक्चर देखते हो? बहुत, आई हॉल में जाते हाँ। कम देखते हो? ज्यादा देखती हूँ मैं, बहुत कम देखता हूँ। ओके, बट आप गांव में जाकर देखो तो उनको क्या है कि दिन में काम करना, शाम को पिक्चर देखना, शाम को पिक्चर देखना, एंटरटेनमेंट इज बिग फॉर।
तो ये ना केवल ऐसा कि इन इंडस्ट्रीज में बल्कि जन नायक बड़ा नेता बनाने में और बड़ा पॉपुलर स्टार बनाने में भी सैटर्न का योग है। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी कर्म में हाँ। सफलता वो शनि ही डिसाइड, क्योंकि आप जो मेहनत करोगे वो शनि डिसाइड कर रहे हैं और आपको जो रिवार्ड मिलेगा वो शनि डिसाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने चुनाव में खड़े हो गए हाँ। आपको टिकट लेने में तो कोई तकलीफ नहीं है, नहीं है। आप खड़े हो गए हाँ। जीतोगे तो तब ना जब जनता वोट करेगी और जनता शनि है, जनता शनि है तो नेता कौन बना रहा है? शनि माय हर चीज मतलब शनि कितना बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि मेजर बात यह है कि मैं कोई भी कर्म कर रहा हूँ उसका फल मुझे कैसा मिलेगा ये शनि डिसाइड करते हैं। तो मैं अगर ज्योतिषी हूँ तो मैं कैसा ज्योतिष करूंगा, मैं मुझे कितने लोग देखेंगे ये भी शनि डिसाइड करेंगे। ऐसे नेता को ऐसे बिजनेसमैन को क्योंकि इनकम और कर्म दोनों कंट्रोल करते हैं तो इसलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ मनी। बहुत कम ज्योतिषी शनि को इस तरीके से देखते हैं। मतलब शनि इज लाइक कॉइन का दूसरे दो जो टाइप्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हर किसी ने सिर्फ शनि को वो डरे हुए चीज पे लोगों ने वो बोलते ना कि इमेज क्रिएट कर दिए, लेकिन बहुत कम लोग उसका पॉजिटिव साइड भी जानते हैं कि एक हाँ। अच्छा भी है शनि का। कर्म का फल तो शनि देता, कर्म का फल शनि देता। सो ये बहुत सारे जो इंडिया में स्कैम्स होते हैं, जैसे मेरे को एक बहुत पॉपुलर स्कैम अगर मुझे याद आता है जैसे 2003 1996 वाले जो स्कैम्स थे या विजय माल्या का जो स्कैम था, तो ये सब जो स्कैम्स हैं तो इनके अंदर जो पैसा कमाना और उसके बाद पैसा जाना के वो भी शनि ने रूल करा है। स्कैम शनि नहीं कराते। अच्छा, स्कैम कराते राहु। ओके, बट स्कैम का पनिशमेंट शनि देते हैं। तो एक श्लोक है ज्योतिष में ना, कुजवत केतु शनिवत राहु, कुजवत केतु शनिवत राहु। तो राहु वर्क्स एट सैटर्न, ओके, एंड केतु वर्क्स एट मंगल, ओके, क्योंकि इनकी अपनी कोई राशि नहीं है। तो मैं इसको दूसरी तरीके से डिफाइन करता हूँ। मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूँ कि राहु शनि के एजेंट है। राहु का काम क्या है? राहु का काम है डिजायर क्रिएट करना, ठीक है। अब वो आप में किसी में उसने डिजायर क्रिएट कर दी हाँ। कि ये शॉर्टकट है, ओके, राइट, ये शॉर्टकट है पैसा कमाने का। एंड राहु लव्स शॉर्टकट। आपको राहु को था नहीं पता है कि नहीं पता? वो देवताओं में बैठ गए थे हाँ। है ना, क्योंकि वो अमर होने का सबसे आसान तरीका था हाँ। तो देवताओं का स्वरूप धारण करके वो देवताओं में बैठ के अमृत पी गया तो अमर हो गए। तो राहु का बुद्धि शॉर्टकट में चलती है, एंड इट इज अ वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट। तो राहु आपके अंदर इच्छा डालते हैं। अच्छा, ये है ना, ऐसे ऐसे कर लेंगे तो ऐसे उतना पैसा बन जाए। शॉर्टकट से बन जाए, स्कैम क्यों करता है आदमी? शॉर्टकट चाहिए ना, तेजी से पैसा चाहिए, इजी मनी। वो बुद्धि डालता है राहु और फिर वो आदमी कर लेता है, क्योंकि राहु इज अ वेरी वेरी प्रेशर फोर्स। अभी आपके मन में कोई इच्छा जागृत हो जाए, रात को 2 बज रहे हैं, आपके मन में इच्छा जागृत हो जाए कि राज वाले के पोहे खाने, ऐसे खाने होते फिर तो खाने होते हैं ना हाँ। नींद नहीं आएगी आपको, राइट हाँ। तो जब तक आपको वो इच्छा पूर्ति नहीं होगी तब तक आपको नींद नहीं आएगी हाँ। राइट, और अगर आप बिना इच्छा पूर्ति करे सोए तो दुखी होकर सोए हाँ। राइट, तो ये राहु, तो राहु का फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि व्यक्ति से करा लेता है। ओह माय गॉड, बहुत मैनिपुलेटिव है राहु। तो राहु इज वेरी इंटेलिजेंट, और जब वो करा लेता है हाँ तो फिर शनि टाइम देते हैं। आपने कर्म गलत किया और शनि आए डंडा लेके, तो शनि आपको पनिश करेंगे। जरूरी नहीं कि अभी करें, कोई भी कर्म का 2-3 तरीके होते हैं। एक ही होता है कि मैं आज अभी गर्म रोटी खाऊंगा मेरी जीव अभी जलेगी, राइट, बट अगर मैं अभी 20 रसगुल्ले खाऊंगा तो मेरे को अभी कुछ नहीं होगा, कल सुबह होगा बाथरूम में। See that? Yes. So it's like the punishment is coming after 24 hours. लोगों को लगता है कि उन्होंने कुछ कर लिया, बच गए वो, बट बचे नहीं हो, क्योंकि शनि इज टाइम, काल है वो, तो उनका घड़ी में एक एक एक्शन हमारा काउंटेड रहता है।
आप खुद से झूठ बोल सकते हो, शनि से झूठ बोल सकते हो, आपने जो एक्शन नहीं भी लिया है लेकिन मन में किसी के प्रति अगर दुर्भावना है वो भी कर्म में ऐड होता है। सर ऐसे तो फिर आधे लोगों का तो रूल ही चेंज है, बिकॉज़ नाउअडेज पीपल होल्ड अ लॉट ऑफ हेट्रेड फॉर एवरीवन, दे हैव टू सफर इन साइलेंस। ओके, बिकॉज़ कर्म का मतलब ये नहीं कि मैंने आपको गाली दी हाँ तो ही कर्म माना जाएगा। ओके, ये तो मैंने वाणी से किया, अब मैं कुछ एक्शन से भी कर सकता हूँ, गाली भी दूंगा बट कुछ आपको आप अगर घूर के देख लूंगा तो भी आपको ऑफेंसिव लगेगा राइट। और कुछ मैं केवल सोच के कर सकता हूँ, कैसी लड़की है और बेकार तो भी मैंने कर्म, तो कर्म का भी आपको अपने को लगता है कि यार मैंने करा थोड़ी है, परंतु केवल सोचा है, दैट इज काउंटेड देयर। कर्म से आप नहीं बच सकते। अगर मैं आपसे इन पर्सन ऐसे पूछूं तो क्या कोई ऐसे इवेंट्स हुए थे जिससे आप बता पाओ कि शनि, जैसे बहुत सारी लोकल ऑडियंस है जिसको नहीं समझ आया होगा बहुत सारी चीज़ों से, बट अगर दे आर गोइंग टू गेट एन एग्जांपल ऑफ समथिंग कि किस चीज़ की वजह से, मतलब अपने इंडिया में कोई इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से पता चलो कि जैसे शनि की 7:30 ही किसी को समझ आ जाए, कि इन सिंपल टोन विद एन एग्जांपल, या तो आप किसी फेमस इन्फ्लुएंसर का, एक्टर का, पॉलिटिक, मतलब किसी का भी एक एग्जांपल ले। देयर आर सो मेनी एग्जांपल, पीपल हु हैव फॉलन, हां, पीपल हु हैव राइजन इन द पीरियड ऑफ सैटर्न। ठीक है, जैसे सलमान खान, हां, सलमान खान का जो पूरा करियर बिल्ड हुआ है वो शनि का दशा। ओके, ही बिकेम सो पॉपुलर इन सैटर्न। ओह, ठीक है, अब आप बोलोगे कि शनि दशा खराब होनी चाहिए, सलमान खान इज बिकमिंग, ही बिकम सलमान खान इन सैटर्न दशा। सेम वे मोदी जी, है ना, अब इवेंट कैसे होते हैं देखो, आप 7:30 में प्रधानमंत्री बने, हां, ही वाज द मोस्ट पॉपुलर प्रधानमंत्री, वेरी पॉपुलर, बट उसके बावजूद भी जब तक 7:30 चली कितना क्रिटिसिज्म हुआ, अभी भी होता है सर, है ना, अब उतना नहीं होता बिकॉज नाउ ही इज ओवर फ्रॉम 7:30, बट इनिशियली व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इतना ज्यादा विरोध था उनको सिलेक्शन के लिए, हाँ, कि पहले तो उनको इसका कंटेंडर भी माना जाएगा, हाँ, फिर बने तो उसके बाद इतनी गाली उस व्यक्ति ने खाई, इतना काम किया उसके बावजूद भी खाई, ये 7:30 का प्रॉब्लम है कि वो आपको ऊपर लेके जा रहा शनि, फिर भी सैटर्न है आपके चंद्रमा पर, तो कुछ तो दुख जैसा लेना ही चलेगा ही चलेगा, ये दिस इज द प्रॉब्लम, देयर आर सो मेनी इवेंट्स, मतलब कभी भी कुछ भी हो जाएगा अगर शनि के साथ। अच्छा, हमने ज्योतिष 7:30 में सीखा, ओ तो हमने ज्योतिष 7:30 में सीखा, बट और 7:30 में, हाँ, आपको जान के आश्चर्य होगा कि करीब करीब 40-50% लोग ज्योतिष या तो राहु की दशा में सीखते हैं या 7:30 में सीखते हैं। और मोस्टली इन दोनों चीजों को थोड़ा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू लेकर, रीजन शनि वैराग्य का है, वैराग्य को अध्यात्म मान लो, ओके, अध्यात्म मान लो, वैराग्य मतलब कि वियोग, हर चीज को छोड़ना, ओके, हां, संतत्व, संत कैसे होते हैं, वैरागी होते हैं, सब कुछ को छोड़ सब छोड़ देते हैं। 7:30 में क्या सबसे बड़ी रेमेडी है, आप वैरागी रहो, वैराग्य में रहो, मुझे किसी से मोह नहीं है, मुझे किसी से अटैचमेंट नहीं, मुझे कुछ चाहिए, हाँ, नो प्रॉब्लम इन 7:30, राइट, बट वैरागी होने के वैराग कारक होने के कारण इतना दुख आपको उस समय पर आता है कि आपको फाइनली ये लगने लगता है कि कुछ और चक्कर है, उसी तरह कि बात नहीं बन रही, मजा ही नहीं आ रहा, बिल्कुल अच्छा है ना, ऑफिस में भी अच्छा नहीं आ रहा, घर में लोग भी इज्जत नहीं कर रहे, ये मेरा खास दोस्त छोड़ गया, क्या हो रहा, देन यू गो टू द डिवाइन, अच्छे समय में कोई नहीं चाहता भाई भगवान के पास, बुरे टाइम पे ही सब भगवान के पास, बुरे टाइम पर, या इसलिए सैटर्न के 7:30 में मैक्सिमम लोग धार्मिक हो जाते हैं। अच्छा, राहु की दशा में भी यही होता है, राहु की दशा में भी आप में हाँ, तो फिर देन यू गो टू टेम्पल्स,
एंड देन इंक्वायरी का भाव। मैक्सिमम लोग हम खुद ही हमने ज्योतिष हमारा तो सारे साथ ही चलेगी हमारा इतना खराब पहला ही चैप्टर तो खराब होता ही होता है हाँ। तो एकदम से थोड़ा हिला तो हमने कहा कि भाई क्या बात हो गई क्या दिक्कत है। सो देन माय फादर इज एन एस्ट्रोलॉजर सो मुझे पता है कि भाई साढ़े साथ ही चल रही। तो फिर मेरा ऑटोमेटिकली उस तरफ कि भाई मैं इसको आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट वर्क्स राइट। तो फिर मैंने पढ़ना चालू किया उनसे पढ़ना चालू किया उससे पढ़ना चालू किया ऐसे ही राहु की दशा में भी लोग क्यूरियोसिटी राहु इज अ प्लैनेट ऑफ क्यूरियोसिटी सो वो जब जागती है तो फिर लोग थोड़ा हायर पर्पस में स्पिरिचुअलिटी में अध्यात्म में जाते हैं। सो इट इज अगेन अ मिथ कि राहु की दशा शनि की दशा में लोग दुष्कर्म करते हैं अच्छे कर्म भी राहु की दशा में सबसे ज्यादा लोग देवताओं के पास में जाते हैं मंदिर जाते हैं तीर्थ स्थान जाते हैं मोस्टली बिकॉज ऑफ फियर बट एटलीस्ट दे गो कुछ तो अच्छा होता है yeah. सर शनि की वजह से क्या करियर सेटबैक्स जो होते हैं बच्चों के और बहुत सी बार शायद लोग बोलते हैं कि यार इस पे साढ़े साथ ही चल रही थी इसीलिए इसने ये सब चीजें कर ली या आप समझ रहे हो मैं आपसे पूछना ही चाह रही थी इस पॉइंट पे जैसे बहुत से लोग होते हैं जो स्टूडेंट वाली बैच ले लो या एम्प्लॉयमेंट वाली चीज में ले लो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यार साढ़े साथ ही चल रही है किसी के ऊपर वो दूसरा इंसान बोलता है ये चीज उसको तो पता भी नहीं होता बट वो चीजों को एकदम ऐसे छोड़ के वो खुद को ही उस तरह में ले लेता है एक गलत स्टेप ले लेता है खुद के साइड से। हाँ मतलब आप ये कह सकते हो कि वो व्यक्ति गलत स्टेप ले लेता है बट एक्चुअली शनि का जब दुष्प्रभाव होता है तो बदनामी और बेइज्जती होती है। इसलिए शनि का काम जो है वो तख्त से उतारने का है आपको राजा को तख्त से कौन उतार जनता राइट। इसलिए शनि के टाइम पर लोगों का शनि का साढ़े साथी शनि का ढैया शनि का दशा और शनि का गलत ट्रांजिट मतलब कि शनि अगर टेंथ हाउस को देख रहे हैं और उस समय गुरु का ट्रांजिट भी ठीक नहीं है और आपका दशा भी थोड़ा प्रॉब्लम है तो नौकरी चली जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि शनि का दुष्प्रभाव में आपका सोशल रिस्पेक्ट फाइनेंशियल रिस्पेक्ट और फिजिकल रिस्पेक्ट तीनों जाते हैं। तो इसीलिए आप बोलते हो ना कि यार ऐसा क्यों होता है कि बुरा समय आता है तो सब तरफ से आता है हाँ। सब बोलते हैं तो सैटर्न उस समय कस रहे होते हैं आपको तो कहीं पर भी शांति से इधर ऑफिस जाओगे वहां बिठोगे घर जाओगे घर पर बिठोगे दोस्तों से जाओगे तो दोस्त जो जब भी मार रहे थे बिल्कुल आपको इग्नोर करें। सो इट्स लाइक इट विल ब्रोक यू फ्रॉम एवरीवेयर एंड देन व्हेन यू आर ब्रोकन देन यू गो टू द डिवाइन। अमिताभ बच्चन जाता है ना हाँ। आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा क्या तुम तो छोटे रहे हो बट हर पिक्चर में जाते हाँ। हैं है ना आखिरी में मंदिर में घंटी हाँ। वो स्थिति करके छोड़ते हैं शुरू में। सो व्हाट इज द इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस इज कि आप थोड़े वैराग्य में रहो हाँ। थोड़े अनअटैच रहो और थोड़ा धार्मिक रहो तो शनि पर जाओ। बट सर ऐसा अगर मैं इस चीज से एक चीज ऐसे मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि अगर किसी इंसान ने शनि की साढ़े साथ ही निकाल ली तो शायद वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो भी कर जाएगा क्योंकि उसने हर टाइप का फेस देख लिया अब तो। यस अगर आपने सीखा है तो उस दरमियान निकाल तो सभी लेते हैं हाँ। मरते तो नहीं है लोग साढ़े साथ ही बट आप पत्थर जैसे अड़े रहे कि आप ग्रो किए उस दरमियान जो पत्थर जैसे अड़े रहते हैं हाँ, सीखते नहीं हाँ, तो शनि तो जिद्दी प्लैनेट है हाँ, तो शनि मानते नहीं राइट okay. अब इमेजिन अ सिचुएशन साढ़े साथ ही चल रही है शनि वांट्स टू टीच यू यस शनि वांट्स टू टीच यू दैट ओके वेदिका यू शुड लिसन टू योर बॉस फॉर एग्जांपल यस सर। नाउ यू आर इनटू अ विक्टिम कॉन्शियसनेस कि मैं क्यों सुनूं मैं तो सबसे ज्यादा काम करता हूं ये तो आदमी खराब है एक्स वाई सी राइट ये सब चल रहा है आपका ऑफिस में प्रेशर चल रहा है प्रेशर लगातार माउंटेड है क्योंकि सैटर्न बिना सिखाए मानेंगे नहीं बिल्कुल नहीं तो वो माउंटेड है आप सीखे ही नहीं और साढ़े साथ ही खत्म तो फिर आपका करियर जीवन में कोई भी दशा आएगी कभी भी ऊपर नहीं जाएगा कितनी भी अच्छी दशा है तो भी बिकॉज इट्स लाइक अ जज उसने अगर डिसीजन देके निप तोड़ दी कि ये लड़की सीखती नहीं है हाँ। तो फिर आपको किसी भी और ग्रह का ताकत नहीं है कि वो आपको रिजल्ट दे दे।
अगर शनि नहीं होते तो इफ यू डोंट लर्न एनीथिंग तो शनि हम सबको कुछ अलग अलग सिखाना चाह रहे हैं. हो सकता है आपको करियर का सिखाना चाह रहे हैं, किसी को रिलेशनशिप में, किसी को सोसाइटी में, किसी को पैसे से, किसी को कुछ, किसी को बॉडी से. इफ यू आर नॉट लर्निंग एंड देन 7:30 इज ओवर, देन योर लर्निंग पीरियड इज ओवर एंड यू हैव नॉट लर्न, सो यू विल नॉट गेट द डिग्री. या आई वोंट. इफ यू डोंट गेट द डिग्री देन आई वोंट बी डूइंग एनीथिंग गुड इन माय करियर. दैट्स द प्रॉब्लम दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड. लोगों को लगता है 7:30 किसी भी तरीके से काट लो, इसका उल्टा है. सीख लो 7:30 से अच्छा कोई पीरियड ही नहीं है आपके जीवन में अगर आप यस माइंड में रहने तैयार हो. तो आप केवल इस भाव में रहो कि बोलो सर क्या करना है, मैं कुछ भी करना है मैं ही कर दूंगी. अब मुझे ट्रेवल करना मैं ट्रेवल कर दूंगी. अब मुझे पढ़ाई करनी है पढ़ाई कर. सैटर्न इज हैप्पी तो आपका जो भी कर्म है उसका रिवार्ड तो शनि ने देना है ना. Exactly. तो वो बोलेंगे ठीक है भाई 7.5 साल तो मैं अभी चंद्र पे हूँ. हाँ. तो तेरे को मैं पोजीशन भी दे दूंगा तो खुश नहीं रह पाएगी तू, बट मैं जाऊंगा जब तो उसके बाद फिर तू राइज करेगी. इसलिए कई कई जगह भारत में कहते हैं कि जाती हुई 7:30 बहुत अच्छी होती है. जाती हुई 7:30 उन लोगों के लिए अच्छी होती है जिन्होंने उस 7:30 में कुछ सीखा है. जिन्होंने नहीं सीखा और जो विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहे मैं बेचारा हूँ मेरे संसद उनको जीवन में कभी भी नहीं उठ पाते. उसके बाद कोई भी दशा आएगी दशमेश की दशा पंचमेश की लग्नेश कुछ नहीं होगा वो वहीं पे स्टैग्नेंट रह जाएंगे ग्रो नहीं कर पाएंगे. दिस इज ए अनसेड प्रिंसिपल ऑफ ज्योतिष. ओके अनसेड प्रिंसिपल ऑफ ज्योतिष सो यू विल नॉट फाइंड दिस प्रिंसिपल इन द बुक्स. ओके बट वी हैव सीन दिस इन थाउजेंड्स ऑफ चार्ट. People who don't did what is the meaning of Sanasati? Sanasati ka seedha seedha matlab hai that you have to be more responsible. Yes. That's it. Responsible for your emotions, your body, your mind, your finances, you, everything. Yourself, society, for everything. If you are not responsible, Saturn will finish you. Okay. If you are responsible, he will clear you. When he will clear you, nobody can stop. So इसलिए वो कहते हैं जाती जाती जो सीख रहे हैं उनके लिए जो नहीं सीख रहे हैं उनके लिए 7:30 के बाद बहुत खराब समय होता है. तो फिर वो लोग हमारे पास आते हैं. आप तो भैया कह रहे थे 7:30 के बाद ठीक हो जाएगा, ये तो और खराब हो गया. आपने कुछ सीखा ही नहीं तो खराब ही होगा. तो शनि तो डिग्री लेके चले गए. अच्छा दिस मैन इज गुड फॉर नथिंग और लिप तोड़ दी बस. तो अब जो भी ग्रह आएगा वो पहले शनि का स्टेटमेंट देखते हैं ना. शनि ने इनके क्या बोला. शनि ने बोला वेरी डिसिप्लिन ट्रुथफुल easy eager to learn. Okay, I am Jupiter. I will give instant result. Full marks. 5 marks extra for good handwriting. Yes. Yes. And Saturn said ki kisi layak nahi hai, kuch bhi nahi sikhte. No planet can give you the Rajya. Sir, अगर जैसे अपन ने इतना कुछ जाना शनि के बारे में कि क्या है शनि, शनि के प्रकोप, शनि कब अच्छाई बुराई सारे साथ ही, तो सर अगर किसी को किसी की लाइफ में शनि बहुत ज्यादा है और उसको थोड़ा कम करना हो या उसका प्रकोप थोड़ा उसको कम करना, तो उसकी रेमेडी एज आई प्रॉमिस्ड एवरीवन फॉर द रेमेडी कि सर से मैं जरूर पूछूंगी कि रेमेडी क्या है कि शनि की दशा थोड़ी कंट्रोल में रहे. तो दो दिन तो मैंने आपको बताई. हाँ. एक तो ये है कि वो दो लोगों की सुनते हैं. हाँ. नंबर वन शिव जी. शिव जी राइट. और शिव के भी रुद्र अवतार शिव के कई स्वरूप है तो उनमें से एक रुद्र. इसलिए शनि जो है काल है और महाकाल. सो महाकाल पर रुद्र अभिषेक करने से 7:30 में प्रभाव पड़ता है. ओके. या फिर शिव जी को रुद्र अभिषेक से कहीं भी किसी भी टेंपल में आप पूजते हैं तो प्रभाव पड़ता है. अगर आप पूज नहीं सकते तो रुद्र अभिषेक सुनने से प्रभाव पड़ता है. और एनी फॉर्म ऑफ शिव पूजा इज ऑलवेज गुड फॉर 7:30. दूसरा शनि की हनुमान जी के साथ में भी है. अच्छा. क्योंकि वो भी रुद्र अवतार है. हाँ. पर वो पवन पुत्र है. हाँ. रुद्र स्वरूप है दोनों रुद्र है. तो हनुमान जी इस मंगल राइट मंगल के देवता है. तो मंगल हनुमान जी के भक्तों को शनि बॉदर नहीं करते ये डील है ठीक है. हाँ. बॉदर नहीं करते इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रोथ देते हैं परेशान नहीं करेंगे. So if you are worshipping Lord Hanuman हाँ. during 7:30 or Shani Dasha, Shani will not
bother you much. It's kind of a trait, right? दूसरा सैटर्न का पूरा जो शनिदेव का पूरा जो कहानी है वो है माँ की और शनि का शनि काली माँ को अपनी माँ मानते हैं. अच्छा, तो काली माँ का प्रभाव से शनि का पूरा इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव में बदल जाता है. तो सबसे आसानी से अगर शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो वो काली की प्रभाव से तुरंत, क्योंकि शनि है भी स्त्री ग्रह. हाँ. तो काली का प्रार्थना करने से वो बहुत ही ज्यादा, काली मतलब क्या, जो अंधकार को मिटाती है. हाँ. राइट, वो काली है. हाँ. सैटर्न क्या क्रिएट करते हैं, अंधकार. अंधकार क्रिएट करते हैं. हाँ. चाहे वो इग्नोरेंस से करें, मायूसी से करें, डिप्रेशन से करें, अंधकार है ना. काली का काम क्या है, अंधकार को खत्म करना. तभी तो काली जी. तो काली का प्रार्थना करने से इग्नोरेंस, जड़ता, अंधकार, मायूसी, डिप्रेशन ये खत्म, एंड सैटर्न बिकम्स वेरी हैप्पी. क्योंकि शनि को तो माँ का ही सबसे ज्यादा, पिता का तो प्रेम है उनको तो पूरा माँ का ही. और फिर चौथी चीज है कि शनि इज वायु तत्व है ना, तो इसलिए तो सांस, जब तक हमारी सांस चलेगी तब तक हम रहेंगे ना. इसलिए हमने कहा शुरू में कि शनि जब तक चाहेंगे तब तक आप रहोगे. तो प्राणायाम करने से शनि शुद्ध होते हैं. अच्छा. क्योंकि वायु शुद्ध होती है आपकी प्राणायाम. okay. शनि लव्स प्राणायाम है ना, तो प्राणायाम करने से बहुत लाभ होता है. दूसरा, आपके अंदर आयरन का सब्सटेंस बढ़ाने से शनि में लाभ होता है. शनि इज आयरन, आपके बॉडी के अंदर जो आयरन है दैट इज शनि. तो आयरन का खाने पीने से भी शनि. हाँ, तो घर पर खाने पीने से खराब होता है, सही भी होता है. तो मांस मदिरा ये दो चीज शनि को सख्त ना पसंद है. तो इनको छोड़ने से भी शनि शुद्ध होते हैं. अच्छा. इनको पकड़ने से शनि भयंकर परेश करते हैं समय साथ. राइट, तो इनको छोड़ने से. दूसरा, शनि का टीम कौन सा है, ये जितने जो गरीब तबका है या गरीब के साथ साथ जो अपाहिज भी है, कमजोर है, ये सब शनि का तबका. जो लेबर भोगी है थोड़े से लेबर कह लो. okay. शनि स्वयं सेवक है. हाँ. ना, तो जो सेवकों का सम्मान करने से, जैसे आपके अंडर में कोई व्यक्ति काम करते हैं तो हाउ यू ट्रीट देम. कुछ लोग बहुत ही ऑटोक्रेटिक तरीके से और हिटलर से ट्रीट करते हैं, दे फेस इट इन साइड. तो शनि का टीम है. okay. वो लोग आपका मदद कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर रहे हैं. तो उनका, उनको प्यार से रखने से, उनका हितों का ध्यान रखना, उनको देखना. बिकॉज आप किसी के बॉस हो, इसका मतलब आपका रोल तो पेरेंट जैसा है. इट्स लाइक अ फादर रोल. राइट, तो आदर केवल डांटते डांटते थोड़ी है, जिम्मेदारी भी तो लेते हैं. है ना, तो उनकी जिम्मेदारी लेना, ये इससे शनि में बहुत डाउट होता है. दूसरा, ये जो गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, इनको भोजन का दान करने से सैटरडे को, उसको आप बोलोगे कि 5 बजे जैसे उसका छुट्टी होगी. हाँ. उसको आप बोलोगे कि भैया 5:30 बजे तक कर लेना आज. हाँ. तो वो नहीं करेगा, नहीं करेगा. नहीं. आप उसको बोलोगे कि मैं अच्छा नाश्ता कराऊंगी करेगा. हाँ. तो वो जो उसको आप बोलोगे ना 50 रुपए और दूंगी, तो नहीं करेगा. नहीं, उनको सो उनका जो बेसिक नीड है वो क्या है, why they are working, they are working for food. food, yeah. उनको पेट भर खाना चाहिए. हाँ. right? उनको, आप हो सकता है आपका जो लेवल है, आप कुछ किसी और चीज के लिए कोई जॉब करते हैं. हाँ. you are not working for food, right? exactly. but they are working for food. yeah. तो उसकी टीम है, उनकी टीम को लंगर, भंडारे ये सब कराने से बहुत प्रसन्नता होती है. इसलिए आप देखोगे कि सब बड़े बड़े लोगों के लंगर चलते रहते हैं. हाँ, भंडारे चलते रहते हैं. पॉलिटिशियंस को आप देखो, उनका इतना सेवा करते हैं. अपने यहाँ पर ये परसेप्शन है कि सभी पॉलिटिशियन खराब होते हैं, बट ऑब्वियसली वो थोड़ा प्रोफेशन इस तरीके का है. बट हाँ. वो अगर कोई सीट से हर साल जीत रहे हैं. हाँ. तो वो किसी ना किसी के लिए तो कुछ तो कर रहे होंगे ना, जिसकी वजह से लोग वोट दे रहे हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग गरीब लोगों की बहुत मदद करते हैं. okay. उनके फ्री में ऑपरेशन कराना, अपनी जेब से नहीं देते हो,
किसी को बोलेंगे डॉक्टर को उनका ऑपरेशन करते हैं सर, इनका फूड की व्यवस्था करते हैं, कुछ करते हैं, सो दैट्स व्हाई दे मेक्स द सैटर्न हैप्पी. ओके, सो दिस काइंड ऑफ सेवा मेक्स द शनि. और एक आखिरी है कि काल भैरव अष्टकम करने से शनि प्रसन्न होता है. काल भैरव अष्टकम. ओके, काल भैरव अष्टकम एक स्त्रोत है. ओके, जो कि आदि शंकराचार्य ने लिखा है. हां, भैरव जो शिव का स्वरूप है, हां हां, वो करने से शनि प्रसन्न होता है. मैंने पूरी बता दिया. तो ये सभी रेमेडीज करने से फॉर श्योर जिसकी भी लाइफ में अगर इशू होगा, और सबकी लाइफ का इशू एक ना एक टाइम पे रिजॉल्व होना है, और वो होगा भी, और शायद चीजें जो बहुत ज्यादा बुरी चल रही थी, अगर वो ये पॉडकास्ट सुनेंगे, रेमेडीज जानेंगे, तो उनकी लाइफ में ही कुछ अच्छा होगा. हाँ, और आखिरी बात जो मुझे छूट गई. अच्छा, कि लोग 7:30 लगने के बाद ज्योतिषियों के पास जाना चाहते हैं. हमारे पास सबसे ज्यादा लोग का वहाँ पे 7:30 लगे, यहाँ पे शनि की दशा, यहाँ पे राहु की दशा, 7:30 लग गई. हाँ, उसके बाद कुछ नहीं होगा रेमेडी करने से, उससे पहले ही करनी पड़ती है. आपका केस कोर्ट में खुल गया है. तो खुल गया, खुल गया, तो अब तो सफाई देनी पड़ेगी. हाँ, तो 7:30 में रेमेडी करना इतना जरूरी नहीं है जितना कि पूरे जीवन भर करना जरूरी है. ओके, तो इसीलिए डिसिप्लिन, जो लोग डिसिप्लिन से अपना थोड़ा सा ईमानदारी से काम करते हैं, लोगों का हक नहीं मारते हैं, असम्मान नहीं करते हैं, वो रेमेडी की तरह काम करता है उनके लिए. 7:30 लग गई, केस खुल गया, अब जा रहे हो ज्योतिषियों के पास, हम कराएंगे पूजा पाठ सब बोलेंगे, बट दैट इज गिविंग यू द मोमेंटरी रिलीफ ओनली फॉर एक छोटे टाइम पीरियड का. अच्छा, देखो भगवान नहीं समझता क्या कि तुम केवल डर के मारे? भगवान सब जानता है, आपसे तो इंटेलिजेंट ही है. तो अगर मैं भक्त हूँ, पूरे जीवन भर से भक्त हूँ, सब चले तो ठीक तरीके से काम कर रहा हूँ, तो भगवान ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस ना. तो इट्स अ वे ऑफ लिविंग, नॉट समथिंग विच यू डू इन वन डे और टू डे और 7:30 लगी तो अंगूठी पहन ली और बहुत कम असर होगा. बट अगर आप अपना दैनिक जीवन ही ऐसा रखते हो, तो देन ऑब्वियसली 7:30 विल बी गुड. 7:30 के बारे में संज्ञान में का ऐसा लग रहा है कि किसी को भी इश्यू भी होगा इससे रिलेटेड, तो अपना जब पॉडकास्ट जाएगा सब लोगों के पास, तो हर किसी को किसी ना किसी चीज से रिलीफ तो शायद मिल जाए. मोमेंटम, वी ऑल होप फॉर द बेटरमेंट ओनली, एंड आई वुड लव टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट विद मी सिटिंग, यू नो, अगेन हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ चिट चैट, जिससे मतलब बहुत सारी चीजें पता चलती है सर. जैसे वो स्टोरीज, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था इन स्टोरीज के बारे में, ना कि इतनी, मतलब मैंने तो हमेशा जो सबसे सुना कि बहुत बुरी दशा होती है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता, पर नहीं, मुझे दूसरी चीजें भी पता चली. तो आई वांट कि एवरीवन शुड कम टू नो अबाउट एवरीथिंग. सो आज का पॉडकास्ट बस यहीं तक ही, बट if you want more such podcasts and more related content, then you must visit to the Astrolog's YouTube channel, and you must like, share and subscribe for the same. Thank you so much. Thank you, sir.